क्या आपकी भी इडली बच गई है और आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो हम आपको बताएंगे बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ क्विक रेसिपी इडली को फ्राई कैसे करें। लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे बचे हुए इडली लिए हैं। आप चाहे तो किसी भी तरीके की इडली ले सकते हैं। मेरा जो इडली है वो सूजी का बना हुआ है। अगर आपके पास चावल का भी इडली बचा हुआ है तो आप उसको भी ईज़िली फ्राई कर सकते हैं। इसको मैंने क्या किया है कि एक इडली को चार भाग में इसको कट कर दिया है, ठीक है। और ये करीब 7 से 8 इडलियाँ हैं जो बची हुई हैं। इडली फ्राई करने के लिए हमें यहाँ पे चाय का स्वाद अनुसार नमक, मैंने यहाँ पे 1 हरी मिर्च लिया है जिसको मैंने बीच में से कट करके 4 पीस में डिवाइड कर दिया है। कुछ करी पत्ते मैंने लिए हुए हैं और मैंने राई लिया हुआ है, ये करीब 1 बड़े चम्मच है। आइए इसको फ्राई करते हैं। मैंने यहाँ पे लोहे की कढ़ाई ली हुई है, गैस को हम ऑन करेंगे, इसे अच्छे से गर्म होने देंगे, फिर हम इसमें डालेंगे ऑयल। कढ़ाई गर्म हो चुका है, हम फ्लेम को अब मीडियम करेंगे। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। यहाँ पे मैंने 1.5 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल लिया है, इसमें थोड़ा सा बटर भी डालेंगे। जैसे ही गर्म होता है इसमें हम सबसे पहले 1 बड़े चम्मच राई डालेंगे। फ्लेम को हमें लो टू मीडियम रखना है। और इसके बाद हमने जो ये करी पत्ता और हरी मिर्च थी वो भी हम इसमें डाल देंगे। इसे एक बार चलाएंगे। जैसे ही ये चटकने लगे फ्लेम को लो करिए और ये सारी इडलियाँ इसमें डाल दीजिए। हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। फ्लेम को लो ही रखिए, सब तरफ कोटिंग पहले अच्छे से कर लीजिए। हमने इसे अच्छे से चला लिया है। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे। 1 मिनट तक इसे फ्राई करिए लो टू मीडियम फ्लेम पे। बहुत ज़्यादा भी इसे फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ये बिल्कुल हार्ड हो जाएगा। थोड़ा सा सॉफ्ट इडली ही अच्छी लगती है। आप देख सकते हैं इसमें राई की सब तरीके से सब तरफ अच्छे से कोटिंग हो चुकी है। ये फ्राई हो गया है, अब गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको सर्व करेंगे। ये बिल्कुल 2 मिनट में रेडी हो जाता है बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ। आइए प्लेटिंग करते हैं। यहाँ पे मैंने इडली की प्लेटिंग कर ली है। अब आप इसे किसी भी चटनी या डिपिंग के साथ इसे आप इंजॉय कर सकते हैं। देख सकते हो, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।